कुछ दिनों में रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया गया। प्रभु राम के चरित्र का वर्णन आप कैसे करेंगे? प्रभु राम के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए जी कि पहली जो शर्त है इंसान की वो शांति है। रावण को मारने के पहले अगर मैं आपसे कहूं कि एक बड़ी घटना बताओ आप मुझे श्री राम के जीवन की, तो आपको क्या याद आएगा? शिव का धनुष तोड़ना। शिव का धनुष तोड़ना सांकेतिक तौर पे भगवान श्री राम का कहना था कि मैं शस्त्र में नहीं शांति में विश्वास करता हूं। ये एक स्टेटमेंट मैं समझता हूं रहा होगा, लेकिन वही भगवान श्री राम जब अपनी प्राणप्रिया पत्नी सीता को बचाने के लिए समुद्र से 3 दिन तक अनुरोध करते हैं कि रास्ता दे दो मुझे, मार्ग दे दो मुझे, फिर क्या होता है? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आपके पास पहले शक्ति होना जरूरी है, फिर आप शांति की बात करें, लेकिन पहले शक्ति अर्जित करें। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले, शोणित यानी खून, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बहुत शानदार। एक आप पे आरोप लगता है कि आप राइट विंगर हैं, और लेकिन आप खुद राइट विंगर हैं, लेकिन आप ही की फिल्म का विरोध होने लग गया आदि पुरुष का, क्या कहेंगे? खुद आ गए आप इस झमेले में। मैं राइट या लेफ्ट में नहीं, राइट या रॉन्ग में विश्वास करता हूं। मैं राइट की तरफ हूं, लेकिन वो जो रॉन्ग वाला राइट है ना, जो रॉन्ग का विलोम है, अपोजिट, उस राइट में हूं मैं सही तरफ हूं। सवाल जहां तक आदिपुरुष का है, आदिपुरुष पे 95 सेकंड का एक टीजर था। 95 सेकंड के एक टीजर पे लोगों का रिएक्शन आया। पहली बात तो उस रिएक्शन का हम पूरा सम्मान करते हैं। मैंने फिल्म लिखी है, हमारे डायरेक्टर ओम राउत जी, पूरी फिल्म की जो भी टीम है, मैं सबकी तरफ से एक स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहा हूं कि एक एक बात जो आपने कही है, एक एक बात का सम्मान है, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि 95 सेकंड में आप हमारी फिल्म को जज नहीं कर सकते। फिल्म का टीजर आया है, ट्रेलर आने दीजिए, फिल्म आप थिएटर में देखेंगे। अगर जय श्री राम बोलते हुए इस देश का 100 करोड़ हिंदू थिएटर से बाहर नहीं निकला, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। कल वीर सावरकर को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से विवाद खड़े किए जाते हैं जी। वीर सावरकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वीर सावरकर के बारे में आप कुछ कहना चाहें? वीर सावरकर को मैं ऐसे जानना चाहे, कुछ सुनाना चाहे। वीर सावरकर को मैं ऐसे जानता हूं कि वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने भारत माता की स्तुति में 6,000 कविताएं लिखी, और ये 6,000 कविताएं कागज पर नहीं लिखी गई हैं, सेलुलर जेल की दीवारों पर लिखी गई हैं। ये 6,000 कविताएं कलम से नहीं लिखी गई हैं, उंगलियों से और कील से और कोयले से खुरच खुरच के लिखी गई हैं। वो जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंग्रेजी, अंग्रेजियत का सीमेंट है, वो इन कविताओं को नष्ट कर दे। उन्होंने 6,000 कविताएं लिख के याद कर ली, रट ली, ताकि वक्त पड़े तो मैं भारत माता की शान में कविताएं सुनाऊं। एक कवि हूं मैं, मेरे लिए वीर सावरकर का परिचय ये है। मेरे लिए सावरकर का ये परिचय है कि ये वो व्यक्ति है जिसको काला पानी की सजा हुई, 2 कटोरी पानी पी के अंडमान सेलुलर जेल में 10 साल तक ये भारत माता के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और एक बात आप और जान लें, कौन थे वीर सावरकर? डी ग्रेड के प्रिजनर थे, डी ग्रेड के कैदी थे। डी ग्रेड क्या होता है? डी यानी डेंजर ग्रेड, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना खतरनाक मानती थी कि इस पे सारे जितने हमारा जितनी चीजें थी, जितने हंटर चलाने थे इनमें चला दिए, जितनी इसको पनिशमेंट देनी थी दे दी, लेकिन ये आदमी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अब तरीका क्या है कि डेंजर कैटेगरी में आ गया है, इसको आप भेज दीजिए अंडमान के सेलुलर जेल में, जहां ये यातनाएं सहेगा, काला पानी की सजा का, काला पानी, और इसका संपर्क कट जाएगा पूरी दुनिया से। ये थी डी कैटेगरी। और एक और कैटेगरी होती थी, ए कैटेगरी, जिसके कैदी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। वो जब भी जेल में गए वो ए कैटेगरी के कैदी थे। आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है पढ़ने को, आपको वॉक करने को मिल रहा है, आपको दोस्तों से मिलने को मिल रहा है, सारा आपका ख्याल रखा जा रहा है। मेरे जैसे आइडल भगत सिंह जी है, तो सर आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल भी भगत सिंह जी है। और जय श्री राम।
समय आ गया है कि हम अपने मुहावरे बदलें। हमारा मुहावरा क्या है? जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वही भगत सिंह क्यों नहीं? जो जीता वही बाजीराव बलाड़ क्यों नहीं? जो जीता वही महाराणा प्रताप क्यों नहीं? जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं? चलिए अब एक अलग राउंड है और वो है रैपिड फायर राउंड, और इस रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं हम। पहली तस्वीर जी स्वामी विवेकानंद की है, क्या कहना चाहते हैं मनोज जी? 1893 का जो शिकागो भाषण है वो मुझे स्वामी जी को देखते ही याद आता है, और वो भाषण के जो पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये भारतीयता है कि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं हिंदू हैं हम। भगवान परशुराम को नमन। और मैं भगवान परशुराम की तस्वीर देख के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे। भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु अगर होते तो उस वक्त जनक भी क्षत्रिय थे, उस वक्त दशरथ भी थे, भगवान श्री राम भी थे, किसी के साथ कोई विवाद इनका कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक खास क्षत्रिय वर्ग था, उस क्षत्रिय वर्ग ने इनके पिता का वध किया था, इनके पिता की हत्या की थी, उस हत्या का इन्होंने बदला लिया है एक खास वर्ग से। दूसरी चीज, आपको ये पता है ना कि भगवान परशुराम ने अपनी सारी शक्तियां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दान कर दी थी। तो ये जो एक बात हमें बताई गई है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे, इस बात को दिमाग से आज निकाल दें, हमेशा के लिए निकाल दें। ये उन लोगों का नैरेटिव है जो हमारे बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। अगली तस्वीर है खिलजी की, ग्लोरीफाइड डकैत है। ये वो हैं, इन्हीं की सल्तनत को डंडा कर दिए थे। हाँ मतलब ये तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन हाँ जो इनके आगे आने वाले बाप दादा थे जी। अगली तस्वीर महाराणा प्रताप की, चुन चुन कर लाए हम आपके लिए तस्वीरें। जी महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, जब घास की रोटी खा रहे थे, एक ऐसा वीर जिसको दुनिया में कोई ताकत झुका नहीं पाई, एक दिन खाली इनके जीवन में ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप की हिम्मत टूटी थी। मैं आज बताना चाहता हूं वो दिन क्या था। इनकी बेटी जब रोने लगी और इनकी बेटी ने रो के कहा कि मैं तो महलों में रहती थी, मेरे सामने 52 तरह के पकवान आते थे, आज इतने दिन हो गए मैं पानी पी के जी रही हूं, अब जब मैं पानी पीती हूं तो मेरे पेट में चोट लगती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये वो दिन था जब पहली बार महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं संधि पत्र लिख देता हूं, शायद ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाएगी, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन अपने बच्चे के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता।